लोकसभा में बुधवार को दर्शक दिघरा से दो लोगों के कूदने की घटना ने सांसदों को डरा दिया। कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम और डिंपल यादव ने इसे लेकर बयान दिया है। दोनों ने कहा कि सुरक्षा में बड़ी चूक का मसला है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने मीडिया से बात करते हुए लोकसभा में हुए इस घटना का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि अचानक दर्शक दिघरा से दो 20 वर्षीय लड़कों ने छलांग लगा दी। दोनों के हाथों में कनस्तर था जिसमें पीले रंग का पाउडर था। उनमें से एक स्पीकर की तरफ बढ़ रहा था। उन लोगों ने नारेबाजी भी की। धुआं हानिकारक भी हो सकता था। ये संसद में सुरक्षा में हुई चूक का गंभीर मामला है। घटना 13 दिसंबर को हुई है। ये वही दिन है जब 2001 में संसद भवन पर हमला किया गया है। संसद में सुरक्षा में हुई चूक पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, जो भी संसद में आए वो या तो दर्शक थे या पत्रकार, उनके पास टैग नहीं था। मुझे लगता है कि सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मुझे लगता है कि पूरी तरह से सुरक्षा में चूक है। लोकसभा के अंदर कुछ भी हो सकता था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि दो युवाओं ने लोकसभा में छलांग लगा दी। उन्होंने कुछ फेंका जिससे गैस निकलने लगा। सांसदों ने पकड़ा, बाद में सुरक्षा कर्मी उन्हें बाहर ले गए। सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये एक गंभीर मामला है क्योंकि आज 2001 में संसद भवन में हुए हमले की बरसी है। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने बताया कि इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, जब उन लोगों ने छलांग लगाई तब पीछे की सभी बेंच भरी हुई थी, इसलिए वह पकड़े गए। दो मंत्री सदन के अंदर थे। टीएमसी सांसद संदीप बंदोपाध्याय ने इस घटना को भयानक अनुभव बताया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी उनके मकसद का अंदाजा नहीं था। वह ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी नहीं मालूम। हम सदन से तुरंत बाहर निकल गए। ये सुरक्षा में चूक है। वह सदन के भीतर धुआं छोड़ने वाले उपकरण लेकर कैसे आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।